विवाहिता ने खुद को आग लगा ली है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ये विवाहिता भर्ती है। चार लोगों पर घर से अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया है और थाना सिकंदरा मऊ के नौरंगाबाद की यह घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की यह घटना है। यूपी जहां पर महिलाओं की अस्मत महफूज नहीं, यूपी जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पिछले कई दिनों से या यूं कहें कि पिछले कई महीनों से सवाल उठते रहे हैं। दो साल हो गए अखिलेश सरकार को, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आती और गैंगरेप के बाद विवाहिता ने खुद को आग लगाई है, हाथरस की खबर है। इस महिला की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। बुरी तरह से ये महिला झुलस गई है। चार लोगों पर घर से किडनैप करके गैंगरेप करने का आरोप इस महिला के घर वालों ने लगाया है। इंडिया न्यूज संवाददाता पीएन शर्मा फोनलाइन पर हाथरस से मौजूद है मेरे साथ। पीएन शर्मा, क्या है पूरा मामला और अभी इस पीड़िता की हालत कैसी है? ये बता दूं, पीड़िता की हालत बहुत ही गंभीर है, 90% जला हुआ बताया है इसको। मैं डॉक्टरों का कहना है मुश्किल ही 90% जलने के बाद में बच पाएगी। इसको महिला लड़की जो लक्ष्मी है, इसका यही कहना है कि ससुराल से इसको कुछ लड़कों द्वारा बुला के लाया गया था, जिनके द्वारा एक रास्ते में इसके साथ में रेप किया गया गैंगरेप, जिससे पीड़ित होकर इसने खुद में आग लगाई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पीएन शर्मा इस तमाम जानकारी।